नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत वर्मा आप सबका अपने पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा पॉडकास्ट है क्वालिटी मैनेजमेंट पे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आई होप आप एन्जॉय करेंगे इस पूरे लेक्चर को। क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? क्वालिटी मैनेजमेंट जो है बेसिकली इसमें ऐसे प्रोसेसेस होते हैं और एक्टिविटीज़ होती हैं जिनकी मदद से हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो प्रोडक्ट है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स जनरेट हुई थी वो हम फुलफिल हो रही है। हम उनकी वैलिडेट करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही, चेक करते हैं कि जो भी कस्टमर की नीड्स थी वो फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। जो एंड ऑब्जेक्टिव था हमारा कि भाई कस्टमर के लिए ये प्रोडक्ट बनाना है और वो एक्चुअल में जो है पूरा मतलब हम उसको एकम्प्लिश कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब ये भी है कि हम ऐसी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर बनाते हैं प्रोजेक्ट के दौरान कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कस्टमर की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जो भी डेविएशंस हो रही हैं प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स को अचीव करने में उनको हैंडल कैसे करते हैं, ये सब क्वालिटी मैनेजमेंट में होता है। दोस्तों जो भी क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रोसेसेस होंगे वो हमें हेल्प करेंगे एंश्योर करने में कि कस्टमर रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं प्रोजेक्ट के दौरान, और जो डिलीवरेबल हम बना रहे हैं वो विदाउट एनी डेविएशन बना रहे हैं। तीन तरह के क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस होते हैं, प्लानिंग करना, फिर मैनेजिंग करना, फिर कंट्रोल करना क्वालिटी को। आगे चलते हैं। दोस्तों एजाइल के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे करना होता है। एजाइल में जो है हम जो चेंजेस हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं फ्रीक्वेंटली, कोई भी चेंज आ सकता है फ्रीक्वेंटली। हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी चेक्स और रिव्यूज़, और ज़्यादा ज़्यादा क्वालिटी चेक करने पड़ते हैं, और जो रिव्यूज़ करते हैं हम अक्रॉस एंटायर ड्यूरेशन प्रोजेक्ट की, जो पूरी ड्यूरेशन होती है, तो हमें सजेस्ट करने पड़ते हैं तरीके क्वालिटी को इम्प्रूव करने के। और क्योंकि एजाइल में स्मॉल बैचेस ऑफ वर्क में काम होता है तो अगर हम क्वालिटी इश्यूज़ को अर्ली स्टेज में मतलब आइडेंटिफाई कर लें तो बेटर रहता है, क्योंकि उससे जो है चेंजेस करने में जो कॉस्ट यूज़ होती है वो चेंजेस करने में जो कॉस्ट यूज़ होती है वो लोअर होती है अर्ली स्टेजेस में, और बाद में जो है लेटर स्टेजेस में जो कॉस्ट बढ़ जाती है। फ्रेंड्स क्वालिटी अचीव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम रिक्वायरमेंट कलेक्शन जो है वो प्रॉपरली करें। स्कोप मैनेजमेंट के दौरान जब हम स्कोप स्टेटमेंट बनाते हैं और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं तो सारी की सारी इंश्योर करना है कि सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं हम ठीक से कलेक्ट करें, क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट्स ठीक से कलेक्ट होती हैं और रिक्वायरमेंट गैदरिंग एफर्ट जो है हमारा प्रॉपर है अगर, तो हमारी जो क्वालिटी है उसमें जो है मतलब वो ठीक से जो है हम फिर उसको वेरीफाई कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको वैलिडेट करना जो है इजी हो जाएगा, और वैसे भी क्वालिटी का मतलब ही है कि कितनी डिग्री तक हम प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, या कितनी एक्सटेंट तक हम प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है या प्रोजेक्ट जो है वो सेटिस्फाई करता है कस्टमर की नीड को। जब तक हम रिक्वायरमेंट को ठीक से कलेक्ट नहीं करेंगे और फिर उनको फुलफिल नहीं करेंगे तो हम उसको क्वालिटी जो है क्वालिटी प्रोजेक्ट नहीं बोल सकते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों अब बात करते हैं ग्रेड और क्वालिटी की। क्वालिटी हमने फिर से रिपीट करते हैं कि डिग्री टू विच हमारा प्रोडक्ट कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, कितनी एक्सटेंट तक हमारा प्रोडक्ट जो है वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है या कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करता है। उसके बाद हमारा ग्रेड जो है, उसके बाद जो हमारा ग्रेड है, ग्रेड का मतलब होता है सेट ऑफ फीचर्स। सेट ऑफ फीचर्स में आगे देखते हैं, एक मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल लेते हैं।
एक हाई ग्रेड मोबाइल फ़ोन है और एक लो ग्रेड मोबाइल फ़ोन है। हाई ग्रेड मोबाइल फ़ोन वो होता है जिसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, लो ग्रेड मोबाइल फ़ोन होता है जिसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं होते, सिंपल कॉलिंग के लिए यूज़ होता है, कम फीचर्स वाला जो फ़ोन होता है उसको लो ग्रेड बोलते हैं। सो ऐसा हो सकता है कि हाई ग्रेड स्मार्टफोन विद लॉट ऑफ फीचर्स जो है उसकी क्वालिटी बिल्कुल लो हो, और ऐसा हो सकता है कि लो ग्रेड स्मार्टफोन जो सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज़ होता है उसकी क्वालिटी अच्छी हो। सो हमें यहाँ पे ये सीखना है कि जो हाई ग्रेड है वो मैटर नहीं करता हमारे लिए, हमारे लिए मैटर करता है क्वालिटी। सो जो क्वालिटी चीज़ होगी वो जो है कस्टमर को पसंद आएगी, जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रही है वो चीज़। सो लो ग्रेड होना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है और इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, जैसे कि स्मार्टफोन है, बेसिक फीचर्स हैं कॉल्स और उसके, बट उसमें कभी कोई इशू नहीं आता कॉल से रिलेटेड, या जैसा कि हाई ग्रेड फ़ोन में अगर इशू आ जाता है, बहुत सारे फीचर्स हैं लेकिन बहुत सारे फीचर्स होने का फ़ायदा नहीं है अगर उसकी क्वालिटी पे हमने ध्यान नहीं दिया है। तो इस तरह से क्वालिटी इज़ समथिंग दैट मैटर्स। सो अभी देखते हैं कि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी मैनेजमेंट में। सो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है कि प्रॉब्लम्स जो लाइक रीवर्क नहीं होना चाहिए प्रोजेक्ट के दौरान, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो पहले से हमें जो है उनके लिए प्लान तैयार करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट जब एग्जीक्यूट हो रहा है तब हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको फिर प्रिवेंट करने के लिए सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। सो जब एक्चुअल काम हो रहा है प्रोजेक्ट के अंदर, उससे पहले हमें जो है हर प्रॉब्लम्स, जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आने वाले टाइम में, उनको पहले से जो है प्लान करना होगा, उनका जो सॉल्यूशन होता है। सो इट इज़ बेटर टू प्लान क्वालिटी बिफोर एंड, इसकी बजाय कि हम जाके इंस्पेक्ट करें भाई एग्जीक्यूशन हो रहा है प्रोजेक्ट का और हम इंस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। सो फोकस जो होना चाहिए वो बेसिकली प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने का होना चाहिए, उनसे बचने का होना चाहिए, रादर डीलिंग विद देम। सो कभी कभी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर, और उसमें जो है बेस्ट चॉइस जो आपके जो क्वेश्चन होते हैं प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए वो हो सकते हैं कि इट शुड अलाउ यू टू एड्रेस द प्रॉब्लम इंस्टेंटली। मतलब क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपकी आपको जो है प्रॉब्लम इंस्टेंटली आप जो है उसको हैंडल कर पाओ, और क्वालिटी प्लान ऐसा होना चाहिए कि आप एनालाइज करो प्रॉब्लम का इम्पैक्ट, और फिर जो है कंसल्ट कर आप, मतलब आपके पास जो है एक प्लान होना चाहिए जिसको आप कंसल्ट कर सकते हो, चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान हो चाहे इंडिविजुअल प्लान हो, टू सी इफ अ सोल्यूशन और प्रोसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड बिफोर हैंड। मतलब जो सोल्यूशन है या प्रोसेस है वो पहले से हमारे पास प्लान के अंदर अवेलेबल हो, बजाय कि प्रोजेक्ट के दौरान जो है हम ढूंढ रहे हैं। सो अब मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मैं कंसल्ट करूँगा क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान को, जो मेरा क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान है उसको कंसल्ट करूँगा टू हैंडल एनी क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सो बेसिकली क्वालिटी प्लान में जो है, क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान में जो है हम बेसिकली जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनको कैसे वो पहले से उनको प्रिवेंट कर दें, या उनको प्रिवेंट करने का जो प्लान है वो उसमें मतलब मेंशन कर दें, सॉल्यूशन जो है मेंशन कर दें, या फिर उसको हो सके तो उसको अवॉइड, मतलब ऐसा कुछ करें कि जो है वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही ना करे आगे प्रोजेक्ट में। सो वो होना चाहिए क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान में। सो कैसे इंश्योर करेंगे कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है या फुलफिल कर रहा है, कैसे इंश्योर करेंगे कि मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो उसमें क्वालिटी है। सो उसके लिए जो है हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि क्वालिटी की जो लेवल है एक्सेप्टेबल वो क्या है। मतलब अगर ये ऐसा होगा तो प्रोजेक्ट का जो है वो क्वालिटी है। सो कैसे इंश्योर करेंगे कि हम जो है फुलफिल कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स को। सो एक्सेप्टेबल एक डेफिनेशन डिफाइन करना पड़ेगा कि ये एक्सेप्टेबल लेवल है प्रोडक्ट की और प्रोडक्ट के फीचर की। सो जो एक्सेप्टेबल है उसके बाद हम डिटरमाइन करेंगे कि
कौन कौन से मेट्रिक्स हो सकते हैं जिससे हम क्वालिटी को मेज़र करें। सो ये सब आगे डिस्कस करेंगे। और जो ऐसा नहीं सोचना है कि भाई जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा तब हम उसके बाद जो है अगला प्रोसेस होगा क्वालिटी को मैनेज करने का, नहीं ऐसा नहीं सोचना है। जैसे जैसे काम होगा हमें जो है जो हमारा काम है उसको इंस्पेक्ट करते रहना क्वालिटी के लिए, और कोशिश ये करनी है कि पहले से जो है हम ऐसा प्लान बनाएं कि प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकें, अवॉइड कर सकें, लाइक प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स आए ही ना। सो हमें जो एक्टिविटी और वर्क पैकेज थे हमारे उनकी क्वालिटी चेक करते रहना पड़ेगा बिफोर दे आर कंप्लीटेड, मतलब साथ साथ में चेक करते रहना पड़ेगा बिफोर दे आर कंप्लीटेड। सो काम करते वक्त जो है क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द डिज़ायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन द प्रोडक्ट, मतलब हमें क्या चाहिए। परफॉर्मेंस की बात करें तो हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए ये हमें पता होना चाहिए, और फिर मेज़र करना पड़ेगा हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हमारी है अगेंस्ट द डिफाइंड मैट्रिक्स। दोस्तों क्वालिटी जो है वो प्लान का प्रोसेस होना चाहिए, वो कोई स्टेप नहीं होना चाहिए कि आ, आ, जब एक मतलब हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा फिर हम क्वालिटी इंस्पेक्शन करेंगे, चेक करेंगे, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करेंगे। नहीं, क्वालिटी जो है वो हमारा प्लानिंग का पार्ट होना चाहिए कि कैसे जो कैसे हो सकता है कि प्रॉब्लम ना आए प्रोडक्ट के अंदर या उसको प्रिवेंट किया जाए। सो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द प्लान्ड लाइक इन टू द प्रोजेक्ट एंड नॉट केप्ट एज अ सेपरेट टास्क कि भाई अलग से एक टास्क होगा। अगर हम क्वालिटी को प्लान करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर तो यू कैन अवॉइड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस। सो प्रोजेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब क्वालिटी जो क्वालिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, जो हमें ध्यान में रखने हैं प्रोजेक्ट के दौरान। तो सबसे पहला है गोल्ड प्लेटिंग। सो कस्टमर जो है हमारा उसको गोल्ड प्लेटिंग नहीं करनी चाहिए, मींस ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए कि हम आपको कोई स्पेशल फीचर देंगे। नहीं, हमारा फोकस होना चाहिए कि जो हमें रिक्वायरमेंट दी गई है, जो हमें जो कस्टमर की नीड है हम उसको फुलफिल करें, जो एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उन पे ध्यान दें बजाय कि गोल्ड प्लेटिंग करने के। सो बिग नो है गोल्ड प्लेटिंग के लिए, और बैड प्रैक्टिस कहा जाता है इसको। कस्टमर ने कहा नहीं है कि हमें कोई एक्स्ट्रा फीचर चाहिए और हम जबरदस्ती जो उसको गोल्ड प्लेटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं देखिए ये देखिए हमने कुछ स्पेशल आपको दिया है, स्पेशल फीचर देने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारी क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है। सो गोल्ड प्लेटिंग इज़ बिग नो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना है, जो एग्जिस्टिंग काम है उस पर फोकस करना है। गोल्ड प्लेटिंग से बस हमारी कॉस्ट बढ़ेंगी, स्केड्यूल बढ़ेगा और स्कोप बढ़ेगा। सो इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। सो अगला जो है हमारा मार्जिनल एनालिसिस है। सो मार्जिनल एनालिसिस का मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद हमें क्वालिटी देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक मेजरमेंट है, एक पॉइंट है जहाँ तक जो है हम ट्राई कर सकते हैं क्वालिटी को इम्प्रूव करने का, और उसके बाद जो है वो उसके बाद अगर हम क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं तो उससे कोई वैल्यू ऐड नहीं होता है। सो मार्जिनल एनालिसिस जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। सो एक जापनीज कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है काइजेन। काइजेन का मतलब है कि हमें प्रोसेस के दौरान जो है कंटिन्यूसली वी शुड लुक फॉर इम्प्रूवमेंट्स। जो भी प्रोसेसेस हैं, जो भी प्रोसीजर हैं, इवन छोटे प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स हैं उसमें भी हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है और प्रोसेस है उसमें क्वालिटी हो। सो दैट इज़ कॉल्ड काइजेन या कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। फिर हमारा कॉन्सेप्ट है JIT का, जस्ट इन टाइम। सो गेटिंग द मटेरियल्स और रॉ मटेरियल्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब उनको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे, और हमें पता है कि इस पर्टिकुलर टाइम में जो है इनकी ज़रूरत है एंड दे आर रेडी फॉर दे आर अवेलेबल एट दैट पर्टिकुलर टाइम। सो इस तरह से हम जो है इन्वेंट्री को डिक्रीज कर सकते हैं और वी कैन ब्रॉट इट टू ज़ीरो। और इसका फ़ायदा ये कि हमें स्टोरेज कॉस्ट नहीं देना पड़ता, एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना पड़ता, जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। सो वी कैन ऑर्डर द पार्ट्स राइट व्हेन दे आर रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस।
तो दोस्तों टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब हमें जो कोशिश करनी चाहिए हर एस्पेक्ट जो है हमारे बिजनेस का, हर लेवल जो है हमारे बिजनेस का, उसको कंटिन्यूअसली अप्रूव करने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। दैट्स कॉल्ड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी? प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो चीज़ों को जो है वेरीफाई करे एज पर रिक्वायरमेंट, काम हो गया कि नहीं हो गया, अपनी जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है उसको वेरीफाई करे, चेक करे कि काम जो है एज पर रिक्वायरमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, देन दे शुड फॉरवर्ड इट टू प्रोजेक्ट मैनेजर। डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग एक क्वालिटी एक्सपर्ट थे और उन्होंने कहा है कि 85% ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम इसलिए होती हैं दैट आर बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट का जो एनवायरनमेंट है और वो सिस्टम जिसमें टीम परफॉर्म कर रही है, सो टीम का रोल नहीं होता उसमें, उसमें जो होता है एनवायरनमेंट का रोल। 85% क्वालिटी प्रॉब्लम्स जो है सिस्टम और मैनेजमेंट एनवायरनमेंट की वजह से आती हैं। सो दोस्तों, पुअर क्वालिटी अगर आपके प्रोडक्ट की हो अगर, तो क्या हो सकता है उससे? पुअर क्वालिटी की वजह से आपको रीवर्क करना पड़ सकता है, दोबारा पहले वाली चीज़ पे दोबारा काम करना पड़ सकता है उसको इम्प्रूव करने के लिए, जिसकी वजह से जो है आपका स्केड्यूल में डिले हो सकता है। और जो क्योंकि स्केड्यूल डिले हो गया तो कॉस्ट बढ़ सकती है और जो रिस्क हैं आपके, जो रिस्क हैं वो बढ़ सकते हैं। और क्योंकि डिले हो गई हैं चीज़ें तो लो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और आपने क्वालिटी नहीं दी कस्टमर को, इसलिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन लो हो जाती है, टीम का मोरल जो है डाउन हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर गुड क्वालिटी देते हैं तो रिवर्क नहीं करना पड़ेगा टीम को, और कॉस्ट जो है अगर इम्प्रूवमेंट होती है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होती है तो लेस रिस्क होते हैं और आपका काम जो है जल्दी पूरा हो जाता है और हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है, हायर मोरल ऑफ द टीम होता है और कॉस्ट कम हो सकती है। सो ये चीज़ें जो हैं जो अच्छी और बुरी क्वालिटी होती है, पुअर क्वालिटी और गुड क्वालिटी, उसका रिजल्ट है प्रोजेक्ट में। सो फ्रेंड्स, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस प्लान, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस जो है उसके बारे में जानेंगे, उसमें क्या क्या होता है। तो उसमें बेसिकली हम एक्सप्लोर करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं बाहर के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, फिर देखेंगे कंपनी के अंदर के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और उसके बाद जो है अपने प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बनाएंगे क्वालिटी के। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, एक्सटर्नल जो इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस हैं वो देखेंगे क्या हैं, प्रोसेसेस क्या यूज़ होते हैं, और रिक्वायरमेंट्स देखेंगे कि क्वालिटी कैसे अचीव की जाती है एक्सटर्नली। फिर हम प्लानिंग करेंगे कि क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड हमने आइडेंटिफाई करे हैं उनको मीट कैसे करना है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो आगे और डिटेल में जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स। सो जो प्रोजेक्ट है वो हमारे एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, जो हमारी पॉलिसीज़ है कंपनी की, प्रोसीजर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस एसेट्स जो कि इंटरनल होते हैं। तो उनको जो है आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं। और उसके बाद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर्स मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स देखे जाते हैं, एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस क्या हैं, बाहर क्या प्रैक्टिसेस यूज होते हैं, बाहर की कंपनीज क्या स्टैंडर्ड्स यूज करती हैं, इन द फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि एक्सटर्नल हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट उसके बाद सो उसके बाद एक्सटर्नल पता स्टैंडर्ड पता चल गए, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स से हमें पता चल गया इंटरनल जो स्टैंडर्ड्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल, और उसके बाद जो है प्रोजेक्ट मैनेजर जो है कस्टमर रिक्वायरमेंट स्टडी करता है और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं उसके
कस्टमर के, वो देखता है कि यहाँ क्या है। जब ये सारे स्टैंडर्ड्स को स्टडी कर लेता है तो वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, और फिर प्रोजेक्ट मैनेजर एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है। दोस्तों क्वालिटी क्या है और उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, तो वो डिफाइन करता है प्रोजेक्ट मैनेजर कि क्वालिटी क्या होगी, स्टैंडर्ड्स क्या होंगे और उसको कैसे अचीव करेंगे प्रोजेक्ट में, ध्यान में रखते हुए कस्टमर की रिक्वायरमेंट और एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड जो है कस्टमर के। फिर उसके बाद जो है वो मेजर्स ऑफ क्वालिटी, वेरिएबल्स मेजर्स ऑफ क्वालिटी डिफाइन करता है दैट विल अलाउ प्रोजेक्ट मैनेजर टू इवेल्युएट द वर्क। वो बेसिकली हेल्प करता है कि जब हमें काम को इवेल्युएट करना होता है क्वालिटी के लिए, हाउ इट इज़ बींग डन, और ये चेक करता है कि कौन सा काम जो है आउट ऑफ कंट्रोल है और कहाँ पे चेंजेस चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं कि क्वालिटी प्लान, क्वालिटी मैनेजमेंट करते कैसे हैं और टूल्स क्या यूज़ होते हैं इसके लिए। लेट्स स्टार्ट। हमारे सामने मुझे नज़र आ रहा है कुछ टूल्स, जैसे कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस टूल सबसे पहला टूल है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब ये है कि हम देखते हैं कि क्वालिटी इम्प्लीमेंटेशन करने से जो है हमें क्वालिटी इम्प्लीमेंट करने में जो कॉस्ट हमारी लगती है उसके अगेंस्ट हमारे बेनिफिट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब ये है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जो कॉस्ट लगती है हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने में, क्वालिटी चेक करने में, क्वालिटी वैलिडेट करने में, उस कॉस्ट को कंपेयर करते हैं बेनिफिट्स से, जो क्वालिटी इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें बेनिफिट्स मिलते हैं उससे। बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो हमने पैसा खर्च किया क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्वालिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट में, तो हमें जो है उसका रिजल्ट मिलता है लोअर कॉस्ट, क्योंकि बेनिफिट्स अगर ज़्यादा मिल रहे हैं क्वालिटी इम्प्लीमेंट करने से तो, और रीवर्क नहीं हो रहा है उसमें प्रोजेक्ट में, अगर रीवर्क नहीं हो रहा है तो आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट कॉस्ट होती है प्रोजेक्ट की वो लोअर हो जाती है। जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको अच्छी क्वालिटी मिलेगी तो वो सेटिस्फाई होंगे, सेटिस्फेक्शन मिलता है और प्रोडक्टिविटी हाई होती है। बेनिफिट एनालिसिस के अलावा हमारे को एक और टूल हम यूज़ करते हैं क्वालिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। ये बेसिकली होता है चेक करने के लिए कि जो हमारे डिलीवरेबल है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और सैम्पल जो होता है वो होता है एक सबसेट, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन का एक सबसेट, जहाँ पे पॉपुलेशन जो है मान लो कि पूरा नंबर है और सैम्पल जो होता है उसके अंदर सबसेट ले लिया जाता है डेटा का, एक छोटी पॉपुलेशन का सबसेट ले लिया जाता है। जैसे कि कार पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने वाली एक कंपनी है या फैक्ट्री है, तो वहाँ पे अगर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स चेक करने हैं तो टोटल जो 1,000 कार पार्ट्स अगर मान लिए जाएँ, टोटल पॉपुलेशन मान ली जाए कार पार्ट्स की 1,000 है, हम 1,000 को नहीं लेते हैं क्योंकि उसमें जो है अगर ब्रिटल मटेरियल है तो उसका टूटने का डर होता है, तो सैंपल ले लिया जाता है। तो सैंपल साइज़ जैसे कि 50 ले लिए, 50 कार पार्ट ले लिए या 100 ले लिए, और उनको उनके ऊपर क्वालिटी टेस्टिंग की गई, उनको उनको चेक किया गया कि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सैंपल में और पॉपुलेशन में क्या अंतर है, तो सैंपल जो है इसलिए लिया जाता है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को वेरीफाई करने के लिए, ज़्यादा टाइम ना लगे, ज़्यादा कॉस्ट ना लगे, और
जो रिस्क मैंने हमने डिस्कस किया कि डिलीवरेबल जो है उसका डिस्ट्रक्शन ना हो, अगर कोई फिजिकल डिलीवरेबल है जैसे ग्लास विंडो है उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो वो उसमें जो है डिस्ट्रक्शन का रिस्क नहीं रहता। फिर एक और टूल होता है स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग के बाद जो है एक और टूल होता है दैट इज़ कॉल्ड बेंच मार्किंग। सो बेंच का मार्किंग में जो है हम बेस्ट जो इंडस्ट्री प्रैक्टिसेज हैं और स्टैंडर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ताकि हम अपने करंट प्रोजेक्ट को इम्प्रूव कर सकें। तो किसी चीज़ को बेंचमार्क मान के जो है अपने स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव अपने सॉरी प्रोजेक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना बेस्ड ऑन बेंचमार्किंग। या मीटिंग्स कर सकते हैं क्वालिटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो जान सकते हैं स्टेक होल्डर्स से, या उनके बेंचमार्क्स हैं तो उनको जान सकते हैं, तो मीटिंग्स भी कर सकते हैं। मीटिंग्स इज़ ऑल्सो अ टूल टू सेटअप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। या इसको कह सकते हैं कि क्वालिटी प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट करने के लिए जो टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं हम, जिसको कहते हैं मीटिंग। फिर हमारा एक और टूल है दैट इज़ कॉल्ड डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट्स या डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। इस टेक्निक में क्या करते हैं हम कुछ वेरिएबल्स निकालते हैं स्टेटिस्टिकली, कुछ वेरिएबल्स निकालते हैं क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और इसमें जो है जो वेरिएबल्स का इफ़ेक्ट होता है एक दूसरे के ऊपर वो आइडेंटिफाई करते हैं उन वेरिएबल्स का क्या इफ़ेक्ट है, और उन वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं प्रोसेस के अंदर, और देखते हैं कि कौन से वेरिएबल है जिनका ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, ऑप्टिमल इम्पैक्ट हो रहा है डिलीवरेबल की क्वालिटी में। सो वेरिएबल का इम्पैक्ट चेक किया जाता है ऑन द क्वालिटी ऑफ डिलीवरेबल। सो इस तरह से डिस्कवर करके ऑप्टिमल इम्पैक्ट डिस्कवर करके जो है डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट टेक्निक की मदद से हम डेवलप करते हैं ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। कंडीशन क्योंकि रोल प्ले करता है बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी प्रोडक्ट क्वालिटी में, तो कंडीशंस इम्प्रूव करते हैं। सो हम वो फैक्टर्स हमें पता चलते हैं जिससे हमारे रिजल्ट्स इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं वो एनवायरनमेंट फैक्टर्स। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि हम पता लगाते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन है स्टील का, एक वेरिएबल हो गया स्टील, एक हो गया वुड, एक हो गया सीमेंट। स्टील वुड और सीमेंट का कौन सा कितना कॉम्बिनेशन होगा जिससे हायर क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन होगी हमारी बिल्डिंग की। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन का पता लगा रहे हैं, एक ऐसा कंडीशन या ऑप्टिमल कंडीशन का पता लगा रहे हैं इन तीनों वेरिएबल्स को लेके, स्टील वुड और सीमेंट को, जिससे हमें हायर क्वालिटी मिलती है बिल्डिंग की। तो कंडीशन एक बार पता चल जाएगी कि इतना मिक्स करके, इतना वुड इतना स्टील इतना सीमेंट मिक्स करके जो है मजबूती मिलेगी, तो दोस्तों फिर उस हिसाब से जो है वी कैन लाइक द प्रोजेक्ट कैन प्रोसीड, एंड दिस कैन बी यूज ऑन द लेटर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। लेटर प्रोजेक्ट्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो समराइज करें तो DOE जो है हेल्प करता है, या डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स का मतलब है एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं डिज़ाइन के, टू फाइंड आउट द बेस्ट कंडीशन फॉर डेवलपिंग अ डिलीवरेबल, जिसमें हमें कंडीशन ऐसे कर दिए जाते हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट ही मिलता है। सो दोस्तों अब जानते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी के ऊपर कितना खर्चा, क्वालिटी के ऊपर जो खर्चा होता है उसको हम दो तरह से जो उसको कैटेगराइज किया हुआ है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को COQ को दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। पहला है कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस, और कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस को देखते हैं जरा क्या है उसमें। सो दोस्तों पहला है कॉस्ट फॉर कन्फॉर्मेंस, कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस। कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस का मतलब है वो कॉस्ट जो हम यूज़ करते हैं क्वालिटी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कॉस्ट यूज़ होती है वो कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस होती है, और
वो कॉस्ट कितने तरह की हो सकती है, मतलब क्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने की या क्वालिटी मेजर्स इम्प्लीमेंट करने की जो कॉस्ट होती है, ताकि हमारे फेलियर्स अवॉइड हो सके, प्रिवेंट हो सके, वो क्या क्या कॉस्ट हो सकती है? देखिए, कॉस्ट प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने की कॉस्ट, प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने की कॉस्ट या फेलियर को अवॉइड करने की कॉस्ट, और किसी चीज़ को अप टू स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने की कॉस्ट, दैट इज़ कॉल्ड अप्रेजल कॉस्ट। तो जैसे कि अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना ताकि क्वालिटी प्रोडक्ट बन सके, तो एम्प्लॉय जब काम करेगा तो वो क्वालिटी का ध्यान रखेगा क्योंकि उसको स्टैंडर्ड्स पता होंगे। या एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर आप अपने डेवलपर को एक्सेसिबिलिटी के लिए ट्रेन कर देते हैं, तो वो ध्यान रखेगा कोडिंग करते वक्त जो है कि एक्सेसिबिलिटी के स्टैंडर्ड को फॉलो करे और उसके हिसाब से जो है प्रोडक्ट को बनाए, ताकि हमको बाद में एक्सेसिबिलिटी की के लिए अलग से कॉस्ट, मतलब पे ना करना पड़े, और एक्सेसिबिलिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग से खर्चा ना करना पड़े। सो वी आर दीज आर प्रिवेंशन कॉस्ट, वी वॉन्टेड टू प्रिवेंट द लेटर कॉस्ट और फेलियर्स। उसके बाद होती है अप्रेजल कॉस्ट, जिसका एग्जाम्पल होता है टेस्टिंग करना, इंस्पेक्शन करना टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब टेस्टिंग और इंस्पेक्शन करके जो है हम क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं प्रोडक्ट की। सो दैट्स कॉल्ड अप्रेजल कॉस्ट, मतलब हम स्टैंडर्ड हम चेक कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है अप टू स्टैंडर्ड है कि नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड अप्रेजल कॉस्ट। सो ये कॉस्ट जो हो गई, बेसिकली वी आर कंफॉर्मिंग टू द स्टैंडर्ड्स और वी वॉन्टेड टू प्रिवेंट द फेलियर्स। सो फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस मीन्स मेजर्स, क्वालिटी मेजर्स नहीं इम्प्लीमेंट करने की कॉस्ट, क्वालिटी के उपाय नहीं करने की कॉस्ट। क्या होती है जब फेलियर हो गया? वो पहले वाली जो कॉस्ट थी वो थी फेलियर होने से पहले की कॉस्ट, प्रिवेंशन की कॉस्ट थी, टू एंश्योर प्रोडक्ट इज अप टू स्टैंडर्ड, वो कॉस्ट थी। लेकिन अब जब फेलियर हो गया, प्रोडक्ट फेल हो गया, तो हमें कॉस्ट लगेगी रीवर्क करने की, टास्क दोबारा करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफ़िल नहीं हुई हैं, वो फुलफ़िल करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए कॉस्ट और स्केड्यूल जो है दोबारा जो है बढ़ जाएगा हमारा। स्क्रैप एंड वेस्टेज कॉस्ट, अगर प्रोडक्ट ठीक से नहीं बना तो वो स्क्रैप में जाएगा, वेस्टेज होगी। कई प्रोडक्ट्स कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिसमें जो स्क्रैप में जाएगा, वेस्टेज होगी। फिर जो कस्टमर है फेल्ड प्रोडक्ट को रिटर्न कर देगा, तो वारंटी की कॉस्ट, ठीक है, उसको वापस लाने की कॉस्ट, फिर उस प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की कॉस्ट, फिर उसको करेक्ट करने की कॉस्ट। फिर आप इस तरह से जो है हमारा वी कैन लॉस्ट क्लाइंटेल, रेपुटेशन एंड बिजनेस, और क्लाइंट लूज करना जो है वो क्लाइंट जो है लूज हो जाता है, क्योंकि वी लूज क्लाइंट बिकॉज ऑफ डिलीवरिंग अ प्रोडक्ट विच आर नॉट अप टू द रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं मिलेगा उनको, तो वी कैन लॉस द क्लाइंट एज वेल, तो उसकी कॉस्ट। और कहते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस है, कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन जो है वो लेस होनी चाहिए कॉस्ट ऑफ फेलियर से, या कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस से। सो अगला सवाल दोस्तों आप सबसे, कि क्वालिटी के जो टूल्स हमने डिस्कस करे उनको कब यूज़ करते हैं? सो उनको यूज़ करते हैं जब हमने क्वालिटी प्लान करनी होती है, जब हमने स्टैंडर्ड्स, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वो आइडेंटिफाई करने होते हैं, हमें रिक्वायरमेंट्स क्लैरिफाई करनी होती है, हमें जो प्रोसीजर्स हैं वो आइडेंटिफाई करने होते हैं, ताकि हम क्वालिटी को डिफाइन कर सकें कि क्वालिटी क्या रहेगी, क्वालिटी की जो डेफिनेशन है वो डिफाइन कर सकें। पहली चीज़ प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट।
दूसरी परफॉर्म क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब टूल यूज करेंगे टू एंश्योर कि हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो ठीक से फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, पहला जो है हमने आइडेंटिफाई करा कि क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्वालिटी के स्टैंडर्ड क्या रहेंगे, प्रोसीजर्स क्या रहेंगे। उसके बाद जब हम प्रोसेसेस कर रहे हैं तो हम एंश्योर कर रहे हैं कि हमारे प्रोसेसेस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो टूल्स वहाँ पे यूज़ करेंगे टू एंश्योर क्वालिटी। फिर उसके बाद प्रोसेसेस को इंश्योर कर रहे हैं टूल्स की मदद से कि वो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कंट्रोल क्वालिटी मींस टूल्स आर यूज टू मेजर एंड इंश्योर दैट द वर्क इज बीइंग डन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। मतलब पहले हमने टूल्स यूज करे कि प्रोसेसेस जो हैं उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्वालिटी एश्योरेंस के जो प्रोसेसेस हैं उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसके बाद हमने टूल्स यूज़ किए इंश्योर करने के लिए कि वर्क जो है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा एज पर द रिक्वायरमेंट्स, जो हमारा काम है एज पर रिक्वायरमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो हमारे प्रोसेसेस हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं क्वालिटी के वो डिफाइन हुए हैं कि नहीं हुए हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब कामों को करने के लिए जो है हमारे टूल्स क्वालिटी टूल्स यूज होते हैं। तो समराइज़ करते हैं, पहला तो कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या हैं ये पता कर रहे हैं टूल्स से, दूसरा क्वालिटी इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो इंश्योर करना, तीसरा परफॉर्मेंस जो हमारा काम है वो एज पर क्वालिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब पढ़ेंगे कॉस्ट एंड इफेक्ट डायग्राम, जिसको फिश बोन डायग्राम भी बोल सकते हैं, या बिकॉज इट लुक्स लाइक अ फिश बोन, या इशिकावा डायग्राम भी बोल सकते हैं। सो इशिकावा जैपनीज वर्ड लग रहा है मुझे, कमेंट में बताइए। सो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बेसिकली जो प्रॉब्लम का रूट कॉज है उसको फाइंड आउट करने के लिए दिखाया जाता है, और प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करती है बैड क्वालिटी इन द प्रोडक्ट। सो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम जो है वो हेल्प करता है मैप आउट करने के लिए कि क्या फैक्टर्स या क्या वेरिएबल्स थे प्रॉब्लम के। तो हम प्रॉब्लम्स को जो है कैटेगराइज करते हैं, रीजंस जो होते हैं प्रॉब्लम के उनको कैटेगराइज करते हैं, फिर उन रीजंस को जो है उसमें अपना जो फिश बोन डायग्राम है या इशिकावा डायग्राम है उसमें डालते हैं। सो प्लानिंग के दौरान फिश बोन डायग्राम जो है हेल्प करता है क्या कैसे और कब कैसे और कहाँ हम मेज़र कर सकते हैं फैक्टर्स को दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द क्वालिटी। सो क्वालिटी को जो चीज़ें कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं वो हम मेज़र कर सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम से, और ये मेज़र कर सकते हैं कि वर्क कैसे परफॉर्म करना चाहिए टू मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड और टू अचीव द क्वालिटी बाय आइडेंटिफाइंग द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस क्वालिटी। और ये फिशबोन डायग्राम हेल्प करता है हमें टू लुक बैकवर्ड्स ऑन द प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखने के बाद ये प्रॉब्लम आई थी प्रोजेक्ट में और ये प्रॉब्लम का कॉज क्या रहा होगा, सो वो कॉन्ट्री वो देख वो मैं बेसिकली फाइंड आउट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द एंड प्रॉब्लम। सो लेट्स सी हाउ, सो मेरे सामने फिश बोन डायग्राम है और इसमें मेरे को नज़र आ रहा है कि जो प्रॉब्लम है दैट इज़ इन्फीरियर प्रोडक्ट क्वालिटी मिली है हमें, और मीन्स वी कैन से दिस इज़ द इफेक्ट, जो इफेक्ट है वो है इन्फीरियर प्रोडक्ट क्वालिटी। अच्छा वो मिली कैसे, उसका कॉज क्या है, उसके कॉज चार तरीके के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल इन द प्रोजेक्ट, सेकेंड इज़ द टेक्नोलॉजी यूज इन द प्रोजेक्ट, थर्ड इज़ द प्रोसेस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड फोर्थ इज़ द एनवायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। सो फिश बोन्स में जो है इनको टैग कर दिया गया है सारी कैटेगरीज को, फोर कैटेगरीज को, और जब लोगों की बात करते हैं तो लैक ऑफ ट्रेनिंग होगा,
या हो सकता है लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से। सो ये कंडीशन हो गई, एक प्रोजेक्ट की कंडीशन। फिर हमारी टेक्नोलॉजी आती है तो आउटडेटेड इक्विपमेंट दे रखा है हम प्रोजेक्ट टीम को, सो ये भी कंडीशन है प्रोजेक्ट की। देन प्रोसेस की बात करें तो क्वालिटी एश्योरेंस नहीं है प्रोडक्शन प्रोसेस में, मीन्स हम साथ साथ में क्वालिटी वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, वैलिडेट नहीं कर रहे हैं। सो ये प्रोसेस हो गया ये भी। फिर एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं लोग, दैट इज़ अनसेफ एंड अनहेल्दी वर्क स्पेस। सो ये सारे रीजंस हैं कॉमन जो आइडेंटिफाई किया हमने कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को प्रेजेंट करने के लिए। दोस्तों फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट होता है एक चार्ट जो हमारे प्रोसेस का या सिस्टम का फ्लो शुरू से लेकर लास्ट तक शो करता है। वो शो करता है ऐसे पाथ जो आपस में रिलेटेड हैं या एक दूसरे के अल्टरनेटिव हैं या डिफरेंट पाथ शो करता है। सभी इनपुट शो करता है फ्लो चार्ट और आउटपुट शो करता है। तो सीपॉक, सीपॉक मतलब SIPOC, SIPOC एग्जांपल है फ्लो चार्ट का ही, जो शो करता है फ्लो ऑफ एनी कनेक्शन बिटवीन सप्लायर्स, एस फॉर सप्लायर्स, आई फॉर इनपुट्स, पी फॉर प्रोसेसेस, ओ फॉर आउटपुट्स एंड सी फॉर कस्टमर। एक प्रोसेस के अंदर सप्लायर, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसेस और कस्टमर के बीच में क्या कनेक्शन है उसका शो करता है सीपॉक। उसके बाद हमारी दो चीज़ें और आती हैं, एक चेक शीट, एक चेकलिस्ट। तो सबसे पहले चेकलिस्ट क्या होती है? चेकलिस्ट होती है कि हमारा जो प्रॉब्लम है उसकी ऑकरेंस कितने टाइम्स हुई है, कितनी बार हुई है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस। तो उसका जो डेटा होता है वो हम एक फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, जो फॉर्म होता है हमारी चेक शीट। सो बेसिकली चेकिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंसेस ऑफ एन इवेंट, हेंस इट इज मेनली यूज फॉर गैदरिंग द डेटा। सो हमें डाटा इकट्ठा करना है कि कोई प्रॉब्लम जो है वो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है प्रोसेस में या प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो चेक शीट के थ्रू हम उसको प्रॉब्लम अंक किसी भी प्रॉब्लम की अकरेंसेस को ट्रैक करते हैं। और चेकलिस्ट होती है कि वो सारी आइटम्स जो हमको परफॉर्म करनी है प्रोसेस के दौरान, या फिर वो सारी आइटम जो हमको इंस्पेक्ट करनी है प्रोसेस के दौरान। और चेकलिस्ट जो है बेसिकली हेल्प करती है हमको इंश्योर करने के लिए कि हमने हर वो स्टेप और एक्शन लिया है जिसकी ज़रूरत थी प्रोसेस में। जब हम हमारे पास डिलीवरेबल्स हैं बहुत सारे और हमको उनकी क्वालिटी चेक करनी है, और ये चेक करना है कि जो स्टेप्स हमने प्रोसेस के लिए लिखे थे वो परफॉर्म हो गए हैं सारे, तो चेकलिस्ट यूज होती है। तो चेकलिस्ट जो क्वालिटी चेकलिस्ट होती है वो बेसिकली इवेल्युएट करने के लिए होती है कि जो हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया था वो फुलफिल हो गया है। सो कुछ क्राइटेरियाज थे बेसिकली टू वैलिडेट क्वालिटी, और वो डिलीवरेबल जो है हमारा, हमने चेक किया कि हाँ इस पर्टिकुलर एक्टिविटी की या इस पर्टिकुलर डिलीवरेबल की जो क्वालिटी है वो अप टू द मार्क है। सो उसके लिए चेकलिस्ट यूज़ होती है टू एंश्योर कि ये सारा काम हो गया है। सो मान लो एक वेबसाइट बना रहे हैं और हमें शो करना है कि
वेबसाइट में जो है पर्टिकुलर डिफेक्ट जो है वो कितनी बार मतलब कि ये पर्टिकुलर डिफेक्ट जो है इतनी बार है पूरी वेबसाइट में, तो इंस्पेक्ट कर रहे हैं वेबसाइट को और बता रहे हैं कि ये पर्टिकुलर डिफेक्ट जो है 10 बार है, ये दूसरा डिफेक्ट जो है ये 5 बार है, तीसरा डिफेक्ट जो है वो 20 बार है। तो इस तरह से एक पूरी चेक शीट बन जाती है हमारी डिफेक्ट्स की, और चेकलिस्ट होती है कि जो आइटम्स हमें चेक करनी है, जो हमें आइटम्स हमें वेरीफाई करनी है या जो आइटम्स हमें इंस्पेक्ट करनी है, डिलीवरेबल जो हमने फाइनल आउटपुट जो हमने देना है। सो एक वेबसाइट बना रहे हैं अगर, तो उसमें क्या होगी चेकलिस्ट आइटम्स। सो उसमें ऐसी चीज़ें होंगी जैसे कि ग्राफिक्स लोड हो रहे हैं प्रॉपरली वो चेक करना है, या ऐप जो है वो अपने फंक्शंस को प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है तो वो चेक करना है। तो ये सारे चेकलिस्ट के आइटम्स हो गए, और चेक शीट के हो गए डिफेक्ट्स कि कितनी बार कोई डिफेक्ट आ रहा है। सो दोस्तों पेरेटो चार्ट या पेरेटो डायग्राम जो है हमें बताता है कि मतलब एक तरह का चार्ट होता है जो कि सारे डिफेक्ट्स को शो करता है, हर कैटेगरी के डिफेक्ट को शो करता है। जैसे कि अगर हम एक टेक्सटाइल या शर्ट की बात करें तो उसमें जो है जैसे बटन डिफेक्ट है, उसके बटन डिफेक्ट्स जो है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बार ऑकर हो रहा है बटन डिफेक्ट। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि 20 से ज़्यादा बार जो है बटन का डिफेक्ट है, ठीक है। तो यानी कि आगे अगला बार चार्ट देखता हूँ तो उसमें पॉकेट डिफेक्ट्स है, तो पॉकेट डिफेक्ट्स जो है वो अराउंड 15 है, यानी कि 20 मतलब बटन डिफेक्ट से कम है। उसके बाद कॉलर डिफेक्ट है, वो 10 ही डिफेक्ट निकल के आए हैं फ्रीक्वेंसी, तो फिर वो और कम हो गए, पॉकेट डिफेक्ट से भी कम हो गए। फिर स्लीव डिफेक्ट जो है और कम हो गए, फिर कफ डिफेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट 2 या 3 हैं। तो जैसे जैसे हम बार चार्ट में आगे चल रहे हैं, टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि डिफेक्ट्स के जो अक्रेंसेज है वो कम होती जा रही है। मतलब सबसे ज़्यादा जो डिफेक्ट हमें अक्रेंसेज देखने को मिले हैं वो बटन के डिफेक्ट के, बटन टूटे हुए हैं वो डिफेक्ट देखने को मिला है। तो एक तरह से एक बार चार्ट हो जाता है डिफेक्ट्स का, और जिसमें वाई एक्सिस पे तो अक्रेंसेज होते हैं कि कितनी बार ऑकर हुआ है पर्टिकुलर डिफेक्ट, और एक्स एक्सिस पे जो है आप बार चार्ट बना देते हो पर्टिकुलर डिफेक्ट के, सबसे हाईएस्ट जो पहले होता है, उसके बाद जो सबसे ऑकरेंसेज कम होती जाती हैं, तो लास्ट में जो होता है वो राइट हैंड साइड में सबसे कम डिफेक्ट्स की जो ऑकरेंसेज होती है वो वाला डिफेक्ट होता है सबसे लास्ट में। तो यही है पेरेटो चार्ट। सो दोस्तों पेरेटो चार्ट जो होता है वो बेसिकली एक टूल होता है जो कि हम यूज़ करते हैं क्वालिटी को एनालाइज करने के लिए, और हमारा जो डिफेक्ट्स का डेटा होता है उसको विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए और देखने के लिए कि सर्टेन इश्यूज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, और क्यूम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ देयर ऑकरेंस क्या है, मतलब कैसे कैसे जो है उनकी परसेंटेज बढ़ रही है या घट रही है। सो उस तरह से लाइन चार्ट से वो देख सकते हैं। सो दोस्तों पेरेटो डायग्राम में हम ऑर्डर देखते हैं डिफेक्ट्स का, जो सबसे ज़्यादा ऑकर हो रहे हैं डिफेक्ट्स वो उनकी कैटेगरी नंबर 1 पे आती है, या उनका बार चार्ट नंबर 1 पे आता है, उनका जो बार है वो नंबर 1 पे आता है, फिर उससे कम वाला आता है, फिर आगे उससे कम वाला आता है। तो बेस्ड ऑन ऑकरेंसेज पर्टिकुलर ऑर्डर हैज़ बिन सेट इन पेरेटो डायग्राम। लेकिन हिस्टोग्राम में ऐसा कोई ऑर्डर नहीं होता, हिस्टोग्राम में भी बार्स के फॉर्म में या कॉलम्स के फॉर्म में डेटा शो होता है। तो देखते हैं चलिए हिस्टोग्राम के बारे में। तो दोस्तों एक हिस्टोग्राम में देख पा रहा हूँ एक बार चार्ट है जिसमें हमने देखा कि एक बंदा टोनी है, एक ब्रूस है, एक क्लार्क है, एक पीटर है, एक मैट है प्रोजेक्ट टीम में, और मैं देख रहा हूँ कि बीच में क्लार्क के एक बार चार्ट शो किया हुआ है जो कि बता रहा है कि उसने कितने डिफेक्ट्स प्रोड्यूस करे हैं पर डिलीवरेबल पर वर्कर। सो सबसे ज़्यादा जो डिफेक्ट्स नंबर डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स, सबसे ज़्यादा डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्लार्क ने प्रोड्यूस करे हैं, और इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे टोनी ने भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे हैं, ब्रूस ने भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्लार्क के हैं। और इसमें कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करा गया है प्रायोरिटी का, कि मीन्स पहले पेरेटो डायग्राम में तो ये था कि
सबसे पहले उसको रखा गया था ऑर्डर में, जो सबसे क्रिटिकल डिफेक्ट होते हैं उनको सबसे पहले रखा गया था, फिर उसकी अकरेंसेस देखी गई थी कि कितनी बार वो डिफेक्ट जो है जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं है, क्लार्क ने अगर सबसे ज़्यादा डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स बनाए हैं या डेवलप किए हैं तो वो ऑर्डर में सेंटर पे है, ऐसा नहीं है कि वो पहले या लास्ट में है, तो इसमें कोई ऑर्डर कंसिडर नहीं होता है। तो दोस्तों अब हमें दिखाया जा रहा है एक स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम में कोई बार चार्ट नहीं है, इसमें सिर्फ डॉट्स नज़र आ रहे हैं जो कि स्कैटर्ड हैं, जिनका कोई एक कोई भी एक पैटर्न नहीं है, रैंडम पैटर्न है सबका। तो ये स्कैटर चार्ट बना है डिपेंडेंट वेरिएबल में और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोरिलेशन दिखाने के लिए। सो रैंडमली जब मुझे डॉट दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई जब कोई पैटर्न नहीं बन रहा डॉट्स का, तो मुझे पता है कि कोई रिलेशन नहीं है डिपेंडेंट वेरिएबल में और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। सो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो बढ़ती है प्रोपोर्शनली डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जैसे बढ़ती है, तो जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रही है डिपेंडेंट की बढ़ रही है, तो मुझे एक इंक्लाइंड डॉट्स का एक लेफ्ट टू राइट जो है ना डॉट्स नज़र आ रहे हैं ऊपर की तरफ को जाते हुए, एक लाइन सी बन रही है डॉट्स की, तो इसका मतलब यह है कि डिपेंडेंसी है। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। एक और सिनारियो हो सकता है जिसमें जो लाइन है वो लेफ्ट साइड से ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है राइट साइड को, इसका मतलब यह है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो है जैसे जैसे आगे बढ़ रही है डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू घट रही है। सो इसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन इन अ स्कैटर डायग्राम। सो दोस्तों कंट्रोल चार्ट पढ़ेंगे अब। कंट्रोल चार्ट जो होता है बेसिकली चेक करने के लिए होता है कि हमारे जो रिजल्ट हैं वो एक्सेप्टेबल लिमिट्स में हैं कि नहीं। सो बेसिकली मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है, क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए, और ये भी जान मतलब रिजल्ट जो है वो विद इन लिमिट्स है कि नहीं, एक्सेप्टेबल लिमिट्स में है कि नहीं, और जो हमारा प्रोसेस है वो एक कंट्रोल में है कि नहीं या आउट ऑफ कंट्रोल है, और एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ वेरिएशंस क्या होंगी कॉस्ट की और स्केड्यूल की। सो जो भी डाटा जो है एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर होगा उसको कहेंगे कि कंट्रोल में है, और जो एक्सेप्टेबल रेंज से बाहर चला जाएगा उसको बोलेंगे आउट ऑफ कंट्रोल। ये जो है दो प्रोसेसेस में यूज़ होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट के दो प्रोसेसेस में यूज़ होता है कंट्रोल चार्ट। पहला जो है प्लान क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस, और दूसरा क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी प्रोसेस। सो प्लानिंग के दौरान और कंट्रोलिंग के दौरान जो है ये यूज़ होता है। सो जैसे कि प्लानिंग में यूज़ हो रहा है तो मींस हम स्पेक्स जो है बनाते हैं या कंट्रोल लिमिट्स बनाते हैं या मीन बनाते हैं जहाँ जिनसे हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। सो डिफाइनिंग द क्वालिटी ऑन द प्रोजेक्ट, और सेकंड जो होगा वो होगा कंट्रोल क्वालिटी। कंट्रोल क्वालिटी मीन्स जो लिमिट्स हमने बनाई, जो रेंजेस हमने बनाई है प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस में, उस उनको जो है चेक करना कि एक्सेप्टेबल लिमिट्स में है हमारा कॉस्ट या स्केड्यूल। सो वो चेक करना बेसिकली जो हमारी क्वालिटी है वो एक्सेप्टेबल लिमिट्स में है कि नहीं है। सो दोस्तों कंट्रोल क्वालिटी प्रोसेस के दौरान जो है हम कंट्रोल चार्ट का यूज़ कैसे करते हैं क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, मीन्स हम ये देखते हैं कि हमारा प्रोसेस विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स है कि नहीं है, विद इन एक्सेप्टेबल रेंजेस है कि नहीं है, जो हमने डिफाइन किए थे प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट में। कंट्रोल चार्ट जो वहाँ पे बनाए थे हमने उसमें डिफाइन की थी हमने लिमिट्स, स्पेसिफिकेशन लिमिट, कंट्रोल लिमिट्स और मेन। सो अगर अगर हमारा कॉस्ट और स्केड्यूल जो हमने कंट्रोल चार्ट में मेज़र कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल लिमिट्स में है तब तो ठीक है, अगर वो एक्सेप्टेबल लिमिट्स में नहीं है आउट ऑफ कंट्रोल है तो हमें एक्शन लेना होगा।
सो दोस्तों, कंट्रोल लिमिट्स क्या होती हैं? सो कंट्रोल लिमिट्स जो होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं कंट्रोल चार्ट में। एक लाइन ऊपर होगी, एक नीचे होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, और इन दोनों को कंसिडर किया जाता है कंट्रोल। इन दोनों के अंदर जो है उसको कंसिडर किया जाता है कंट्रोल लिमिट्स। दोनों लाइनों को कंट्रोल लिमिट बोलते हैं। तो अपर कंट्रोल लिमिट हो गया और लोअर कंट्रोल लिमिट हो गया। अपर हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब लोअर कंट्रोल लिमिट। कंट्रोल लिमिट शो करती है कि हमारा जो प्रोसेस है वो इन कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल है। उससे बाहर होगा तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, इन होगा तो अंडर कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, अगर दो लाइंस के अंदर है प्रोसेस तो इन कंट्रोल होगा। सो अगर आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो वी हैव टू टेक एक्शन ऑन द प्रोसेस। आगे चलते हैं। सो अभी मैं देख रहा हूँ कि डॉटेड लाइंस हैं, डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। पहली लाइन जो है वो ऊपर है, उसको अपर कंट्रोल लिमिट वाली लाइन बोलते हैं, और नीचे जो डॉटेड लाइन है उसको बोलते हैं लोअर कंट्रोल लिमिट की लाइन, और सेंटर में जो लाइन है उसको बोलते हैं मीन, और जो सबसे टॉप पे लाइन है उसको बोलते हैं स्पेसिफिकेशन लिमिट, जो कि सॉलिड लाइन है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एक लाइन चार्ट है। सो धीरे धीरे जो है वो लाइन चार्ट आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ रहा है, और कई जगह पे जो है वो प्रोसेस जो है वैसे शुरू में तो कंट्रोल में है, मीन्स विद इन बोथ लाइन्स है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट वाली लाइन्स के अंदर चल रहा है वो जिगजैग। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वो लोअर कंट्रोल लिमिट से बाहर हो जाता है, बाकी टाइम पे वो मीन के ऊपर चल रहा है, जो मीन की लाइन है सेंटर में उसके ऊपर चल रहा है। सो दोस्तों, कस्टमर ने हमें रिक्वायरमेंट दी है क्वालिटी के लिए, जो हमारी प्रोजेक्ट है उसकी क्वालिटी के लिए हमें एक रिक्वायरमेंट दी है। देन पर्टिकुलर एक्टिविटी की परफॉर्मेंस के लिए जो है एक रिक्वायरमेंट दिया कि इतना होगा तो हम मानेंगे कि हाँ देर इज़ अ परफॉर्मेंस, मतलब प्रोजेक्ट जो है परफॉर्म कर रहा है, यहाँ तक आपका हो जाएगा, इस पर्टिकुलर लेवल तक, इस पर्टिकुलर रेंज तक, तो हम मानेंगे कि प्रोजेक्ट परफॉर्म कर रहा है। तो ये लिमिट्स जो हैं ये कस्टमर हमें देता है, और इसको बोलते हैं स्पेसिफिकेशंस लिमिट। और अभी हमने जो डिस्कस किया, अभी हमने देखा था कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट में हमने देखा था कि एक लाइन ऊपर थी जो कि अपर लिमिट थी, और एक लाइन नीचे थी जो लोअर लिमिट थी। अपर लिमिट के ऊपर एक सॉलिड लाइन थी जिसको बोलते हैं स्पेसिफिकेशन लिमिट, जो कि कस्टमर ने हमें दी है, और वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन भी होती है फॉर परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी ऑन द प्रोजेक्ट। सो एक कॉन्ट्रैक्चुअल कह सकते हैं उसको, जो कि मैंडेटरी होता है हमारे लिए प्रोजेक्ट के दौरान रिलेटेड टू परफॉर्मेंस। फिर हमारी अगली टर्म आती है मीन और एवरेज। मीन और एवरेज जो होता है सेंटर लाइन होती है कंट्रोल चार्ट में, और जो एक्सेप्टेबल एरिया होता है ना हमारा कंट्रोल चार्ट में, एक्सेप्टेबल एरिया ऑफ वेरिएशन, ये मीन जो है उसके अंदर होती है, और इसी के अराउंड जो है हमारा जो प्रोसेस का जो डायग्राम है ना वो इसके अराउंड जो है जो कर्व है वो घूमता है। और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वो शो करता है एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ वेरिएंस अराउंड द मीन। जो मीन वाली लाइन है सेंटर में उसके अराउंड जो एक्सेप्टेबल रेंज वाला एरिया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वो शो करता है। और ये विद इन कंट्रोल लिमिट होता है, जो अपर कंट्रोल और लोअर कंट्रोल लिमिट्स है उसके अंडर होता है। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक सर्कुलर कर्व होता है जो कि डिफाइन कर रहा है एरिया जो है जो कि एक्सेप्टेबल रेंज है विद इन लिमिट्स। सो दोस्तों, अब हम कंट्रोल चार्ट में देखेंगे कि आउट ऑफ कंट्रोल क्या होता है। अगर हमारा डेटा पॉइंट जो है वो अपर या लोअर कंट्रोल लिमिट से बाहर है हमारा डेटा पॉइंट, तो
उसको बोलते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल है। देयर आर नॉन रैंडम डेटा पॉइंट, जैसे मान लो 7 डॉट्स हैं या 7 डेटा पॉइंट्स हैं, 7, ठीक है, वो लाए कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर साइड पे मीन की, ऊपर या नीचे, ठीक है, लेकिन कंट्रोल लिमिट्स के अंडर है। सो उनको बोलते हैं, उनको भी आउट ऑफ कंट्रोल ही बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे हम अभी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये सारी चीज़ें समझेंगे। फिर हमारा आता है असाइनेबल कॉज, स्पेशल कॉज वेरिएशन। सो अगर कंट्रोल लिमिट से बाहर है कुछ, ठीक है, कंट्रोल लिमिट से बाहर है सिंगल डाटा पॉइंट और सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट दैट फॉल आउट ऑफ द कंट्रोल, उसको बोलते हैं आउट असाइनेबल कॉज और स्पेशल कॉज वेरिएशन। आइए देखते हैं आगे। सो दोस्तों, अब मैं देख रहा हूँ अपना कंट्रोल चार्ट और उसमें एक जिगजैग लाइन जा रही है जिसको प्रोसेस की लाइन बोलते हैं, और उसमें डाटा पॉइंट्स हैं। तो जैसे ही स्टार्ट होता है हमारा जो लाइन चार्ट है या जिगजैग लाइन है, जो जैसे स्टार्ट होती है ये जिगजैग लाइन मीन के अराउंड, तो मैं देखता हूँ कि ये मीन से ऊपर ही है और 7 डेटा पॉइंट्स जनरेट हो गए मीन से ऊपर, लेकिन वो अपर कंट्रोल लिमिट से नीचे। तो ये 7 डेटा पॉइंट्स जब जनरेट हो गए तो इसको भी आउट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 7, ठीक है। और जो मीन के आसपास मंडरा रहे हैं, लाइक जिगजैग मोशन में मीन को काटते हुए जा रहे हैं, उनको आउट ऑफ कंट्रोल नहीं बोलेंगे। देन एक डेटा पॉइंट है जो लोअर हमारी जो लाइन है, लोअर हमारी लिमिट वाली हमारी लाइन है, उससे बाहर निकल गया, वेरिएंस से बाहर निकल गया। सो उसको बोलते हैं आउट ऑफ कंट्रोल, या फिर बोल देते हैं स्पेशल कॉज या असाइनेबल कॉज। सो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है ना, वो 7 डेटा पॉइंट्स अगर मीन से बाहर हो जाए तो उसको बोलते हैं हमारा प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और अगर अपर या लोअर लिमिट से ऊपर हो जाए हमारा एक भी डॉट या डाटा पॉइंट, तो हम बोलते हैं कि वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, हमारा प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो प्लानिंग प्रोसेस जो था क्वालिटी मैनेजमेंट का, उसके आउटपुट क्या होंगे? एक क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान हमें मिल जाएगा, क्वालिटी को मेज़र करने के लिए मेट्रिक्स मिल जाएंगे, चेकलिस्ट मिल जाएगी क्वालिटी की, और प्रोसेस को इम्प्रूव करने का एक प्लान मिल जाएगा, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट प्लान। आइए इन सबको डिस्कस करते हैं आगे। सो दोस्तों, अगला है हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान। सो क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान का जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें क्या होगा? उसमें होगा हमारी जो क्वालिटी इंश्योर करनी है हमने प्रोसेस के दौरान, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और क्वालिटी को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे प्रोजेक्ट में, ठीक है। इसमें हमें बताया जाएगा कि हमारे लिए क्वालिटी की डेफिनेशन क्या है, और इसमें प्लान होगा कि क्वालिटी को कैसे मैनेज करना है आगे चल के प्रोसेस में। सो कंटेंट्स क्या होंगे क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान के? स्टैंडर्ड्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू क्वालिटी पहले तो डिफाइन करेंगे क्या है, उसके बाद मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे टू मेज़र क्वालिटी, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस हो गई, प्रैक्टिसेस क्या हैं, स्टैंडर्ड्स क्या हैं और मैट्रिक्स क्या हैं मैज क्वालिटी को मेज़र करने के लिए। उसके बाद प्रोसेसेस क्या होंगे टू एंश्योर क्वालिटी, मतलब प्रोसेसेस क्या होंगे कि इन मैट्रिक्स पे हमारी क्वालिटी जो है और इन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है हमारी क्वालिटी और इन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग है हमारी क्वालिटी, ठीक है। सो दूसरा जो हो गया वो हो गया मैट्रिक्स, सॉरी तीसरा जो हो गया वो मैट्रिक्स, फिर आ गया हमारा मीटिंग्स एंड रिपोर्ट्स, मीटिंग्स एंड रिपोर्ट्स फॉर एड्रेसिंग क्वालिटी। सो मीटिंग्स करनी है टू एड्रेस द क्वालिटी इश्यूज़। सो वो हो गया क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान। तो हमने बात करी स्टैंडर्ड्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, फिर हमने बोला मैट्रिक्स, फिर हमने बोला प्रोसेसेस क्या होंगे टू फॉलो टू एंश्योर क्वालिटी, सो एंश्योरिंग क्वालिटी यूजिंग प्रोसेसेस, फिर उसके बाद आ गया मीटिंग्स एंड रिपोर्ट्स फॉर एड्रेसिंग क्वालिटी। सो दोस्तों, इन चारों में से जो है मैट्रिक्स जो होते हैं हमारे क्वालिटी के, क्वालिटी मैट्रिक्स, उसका उसके एग्जांपल्स हमारे हैं उसके एग्जाम सो दोस्तों एग्जांपल्स हैं उसके डिफेक्ट्स की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफेक्ट्स जो है एक क्वालिटी मैट्रिक हो गया,
कि हमारा डिफेक्ट जो कितनी बार जनरेट हो रहा है, और दूसरा हो गया रेट ऑफ प्रोडक्ट फेलियर, प्रोडक्ट फेलियर जो है उसकी स्पीड क्या है, कितनी स्पीड में जो है प्रोडक्ट, कितने स्पीड से जो प्रोडक्ट फेलियर हो रहा है हमारे प्रोसेस में या प्रोजेक्ट में। तो दोस्तों क्वालिटी मेट्रिक जो है वो एक तरह से प्रोडक्ट एट्रीब्यूट का डिस्क्रिप्शन है, और ये इसका यूज़ होता है बेसिकली टू मेज़र द इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ प्रोजेक्ट सो दैट प्रोजेक्ट मैनेजर मे एवेल्यूएट द प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट की जो परफॉर्मेंस है और प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है उसको प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे एवेल्यूएट करेगा, उसके लिए उसे क्वालिटी मैट्रिक्स चाहिए। सो क्वालिटी मैट्रिक्स इस्तेमाल कहाँ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंट्रोल क्वालिटी प्रोसेसेस जो होते हैं ना हमारे, कंट्रोल क्वालिटी प्रोसेस उसमें यूज़ होता है टू मेज़र द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड डिलीवरेबल। जो हमारा प्रोजेक्ट है या हमारा डिलीवरेबल है उसका परफॉर्मेंस एवेल्यूएट करने के लिए कंट्रोल क्वालिटी में जो है ये मेट्रिक्स यूज़ होते हैं। सो दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर है और प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो डिटरमाइन कर रहा है, फाइंड आउट कर रहा है कि एक पर्टिकुलर मैट्रिक के लिए कौन से मेजरमेंट्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल है, एक मैट्रिक है उसके लिए कौन से मेजरमेंट्स एक्सेप्टेबल हैं। तो एक मेजरमेंट है कि प्रोडक्ट फेलियर रेट, प्रोडक्ट फेलियर रेट एक मेजरमेंट है, तो वो जो है उसकी वैल्यू जो है लेस देन 0.2% होनी चाहिए। प्रोडक्ट फेलियर रेट जो है लेस देन 0.2% होना चाहिए अगर एक कंपनी नया नया मॉडल बना रही है लैपटॉप्स का। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है स्टेट करता है, बताता है कि प्रोडक्ट फेलियर रेट जो है नए लैपटॉप के मॉडल का शुड बी लेस देन 0.2%। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आफ्टर डिफाइनिंग मैट्रिक्स, आफ्टर डिफाइनिंग मैट्रिक्स की ये मेजरमेंट जो है एक्सेप्टेबल है इस मैट्रिक के लिए, मतलब मैट्रिक है प्रोडक्ट फेलियर रेट। सो इस रेट के लिए जो है 0.2% जो है वो एक्सेप्टेबल रेंज है या एक्सेप्टेबल लिमिट है। तो दोस्तों चेकलिस्ट में जो स्टेप्स हमने परफॉर्म करने हैं वो होते हैं क्वालिटी चेकलिस्ट में, और अगर आइटम्स हैं तो आइटम्स जो हमने इंस्पेक्ट करनी है वो होती हैं। चेकलिस्ट का इस्तेमाल होता है क्वालिटी चेक करने के लिए अपने डिलीवरेबल के लिए, या अपने आइटम की जो क्वालिटी है उसको चेक करना होता है, उसके लिए यूज़फुल होती है चेकलिस्ट। और ये नोट करने के लिए होता है कि जो स्टेप्स हैं प्रोसेस के वो परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अ क्वालिटी चेकलिस्ट इज़ यूजफुल फॉर एवेल्युएटिंग वेदर द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हैज़ बिन फुलफिल्ड, जो कि क्वालिटी को एक्सेप्ट करने का क्राइटेरिया है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो भी है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो चेकलिस्ट में, चेकलिस्ट उसको हेल्प करती है बेसिकली। क्वालिटी चेकलिस्ट जो है उसको एवेल्युएट करने में हमारी हेल्प करती है। सो दोस्तों प्रोसेस इम्प्रूवमेंट प्लान भी एक आउटपुट है, प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस का। जो प्रोसेस इम्प्रूवमेंट प्लान जो आउटपुट होता है उसमें क्या होगा, उसमें प्रोसेसेस अपने हमारे जो प्रोसेसेस हैं उनका एनालिसिस करेंगे और रेकमेंड करेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव द प्रोसेसेस, द वेज टू इम्प्रूव द प्रोसेस, प्रोसेस को इम्प्रूव करने के तरीके बताएंगे आफ्टर एनालिसिस ऑफ द प्रोसेसेस। और उसके बाद सेकंड चीज़ है, जो भी रिकमेंडेशंस हैं इम्प्रूवमेंट के लिए उनमें हो सकता है वेज ऑफ इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, कि प्रोसेस की जो एफिशिएंसी है वो कैसे इंक्रीज हो और प्रॉब्लम्स कैसे प्रिवेंट। सो एफिशिएंसी इंक्रीमेंट और प्रिवेंटिंग प्रॉब्लम्स, ये दो चीज़ें जो हैं हमारे प्रोसेस इम्प्रूवमेंट प्लान का पार्ट हो सकती है। सो अब देखते हैं कि क्वालिटी को मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, ये मैनेज क्वालिटी प्रोसेस है हमारा। सो जब डिलीवरेबल बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, डिलीवरेबल पे काम करना शुरू करते हैं, तो हमने कुछ प्रोसेसेस बनाए होते हैं और प्रोसीजर बनाए होते हैं काम करने के। तो मैनेज क्वालिटी प्रोसेस तो यही है कि
वो प्रोसेसेस और प्रोसीजर जो बनाए थे वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं व्हाइल मेकिंग द डिलीवरेबल और द प्रोडक्ट। सो मैनेज क्वालिटी जो है वो परफॉर्म की जाती है टू चेक वेदर द प्रोसेसेस एंड द प्रोसीजर्स जो कि हमने प्लान करे थे प्लान क्वालिटी प्रोसेस के दौरान वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं इन द प्रोजेक्ट वाइल प्रोड्यूसिंग द डिलीवरेबल्स। और क्वालिटी एश्योरेंस जो है इज़ एन एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस, इट इज़ डन एज द प्रोजेक्ट वर्क इज़ बींग परफॉर्म। सो क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो वाइल डूइंग द वर्क, वाइल डूइंग द प्रोजेक्ट वर्क या वाइल एग्जीक्यूशन जो है क्वालिटी एश्योरेंस किया जाता है। सो दोस्तों एग्जीक्यूशन के दौरान ही हम क्वालिटी को पक्का करते हैं, कंफर्म करते हैं। जैसे जैसे प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है वैसे वैसे क्वालिटी एश्योरेंस जो है किया जाता है। सो एक बात ध्यान रखने की है कि मैनेज क्वालिटी प्रोसेस इज अबाउट चेकिंग प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स एंड नॉट डिलीवरेबल्स। ठीक है, जो हमने प्रोसेस और प्रोसीजर्स बनाए थे वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है, वो चेक किया जाता है, ना कि डिलीवरेबल की क्वालिटी चेक की जाती है मैनेज क्वालिटी प्रोसेस। सो दोस्तों अब देखेंगे कि परफॉर्म क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस जो है उसमें का क्या हम टूल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, टेक्निक्स और टूल्स देखेंगे कौन से यूज़ करते हैं टू परफॉर्म क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस जो है, क्वालिटी एश्योरेंस जो है वाइल एग्जीक्यूशन होता है, ये ध्यान रखना है आपने। सो दोस्तों एक ऑडिटर आता है क्वालिटी का चेक करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट या क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट से, और वो हमारे जो प्रोजेक्ट के जो प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स हमने डिफाइन किए थे वो चेक करता है कि हम उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सो वो ऑडिट करता है एंड ऑडिट्स आर परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर्स। ठीक है, तो वही है कि प्रोसेसेस और प्रोसीजर हमारे फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उसके लिए क्वालिटी ऑडिट किया जाता है। एक तरह से क्वालिटी एश्योरेंस परफॉर्म किया जाता है। फिर ऑडिट करते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेस एनालिसिस किया जाता है। प्रोसेस एनालिसिस मतलब अब प्रोसेस एनालाइज तो कर लिया, अब जो है उसमें इम्प्रूवमेंट्स क्या हो सकती हैं वो देखना, आइडेंटिफाइंग इम्प्रूवमेंट्स टू दोज प्रोसेसेस। तो ऑडिट करने का और प्रोसेस एनालिसिस करने का फ़ायदा यही है कि मतलब इम्प्रूवमेंट होना चाहिए प्रोसेसेस में। तो दोस्तों एफिनिटी डायग्राम जो है वो हमें बताता है हमें क्या बताता है। जो भी रूट कॉज होते हैं प्रॉब्लम्स के, ठीक है, उनको ग्रुप टुगेदर कर देते हैं या कैटेगराइज कर देते हैं एफिनिटी डायग्राम्स में। फिर हमारा आता है मैट्रिक्स डायग्राम। मैट्रिक्स डायग्राम में दो या दो से ज़्यादा सेट्स ऑफ वेरिएबल्स के रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स डायग्राम में दो या दो से ज़्यादा सेट्स ऑफ वेरिएबल अगर हैं तो उनके रिलेशनशिप वो करते हैं रिप्रेजेंट, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। फिर हमारे ट्री डायग्राम होते हैं। ट्री डायग्राम जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होते हैं। सो उसमें भी रिलेशनशिप्स दिखाए जाते हैं, डाटा ऑर्गेनाइज किया जाता है और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो है ट्री डायग्राम का यूज होता है बाय डिसाइडिंग ऑन करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन। सो करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन डिसाइड होते हैं टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स थ्रू ट्री डायग्राम्स। उसके बाद हमारा प्रोसेस डिसीजन प्रोग्राम चार्ट होता है। तो इसमें डिसीजंस को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, पीडीपीसी भी बोलते हैं इसको। फिर हमारे पास एक और डेफिनेशन आती है प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिसेस। तो एक मैट्रिक्स डायग्राम होता है जो कि डिसीजन एनालिसिस के लिए होता है, डिसीजन एनालिसिस के लिए, और गोल होता है इसका प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। सो दोस्तों ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं क्वालिटी एश्योरेंस के, दैट इज डन वाइल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट।
प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के दौरान हम क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं, एश्योर करते हैं क्वालिटी की अप टू द मार्क है या नहीं। और ये जो हमने डेफिनेशंस, टूल्स और टेक्निक्स जो हैं हमारे, पांच, एफिनिटी डायग्राम्स हो गया, मैट्रिक्स डायग्राम हो गया, ट्री डायग्राम हो गया, प्रोसेस डिसीजन प्रोग्राम चार्ट हो गया, प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिसेस हो गया। सो ये जो पांचों डायग्राम्स हैं और मैट्रिसेस हैं, ये बेसिकली हेल्प करते हैं हमारे को डिसीजन मेकिंग में और प्रोसेस इम्प्रूवमेंट करने में और डेटा ऑर्गेनाइजेशन या रूट कॉज ऑर्गेनाइजेशन कह लो, या रिलेशनशिप दिखाने के लिए जो है, अगर विजुअली रिलेशनशिप दिखाने हैं, सो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, एंड व्हाट वुड बी द करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन होगा। सो ओवरऑल यही समझ में आता है कि डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होते हैं ये सारे टूल्स, और डेटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं, और डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होते हैं, और डिसीजन एनालिसिस भी किया जाता है ताकि करेक्टिव और प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकें और इम्प्रूवमेंट्स की जा सकें प्रोसेस की। तो दोस्तों अब आते हैं कंट्रोल क्वालिटी प्रोसेस। कंट्रोल क्वालिटी प्रोसेस में जो है, हम ये चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि जो डिलीवरेबल है या प्रोडक्ट है वो एज़ पर रिक्वायरमेंट बनाया जा रहा है कि नहीं, एज़ पर रिक्वायरमेंट है कि नहीं। सो इंस्पेक्शन किया जाता है, और इंस्पेक्शन का टूल जो है वो क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज़ होता है, टू एग्जामिन एंड मेजर अ प्रोडक्ट डिलीवरेबल टू सी इफ इट्स मीट्स द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे ये ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पे हम प्रोसेस के स्टैंडर्ड्स को या प्रोसेस के क्वालिटी के बारे में बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। सो दोस्तों, इट्स पर्पस इज़ टू एंश्योर कीपिंग एरर्स आउट ऑफ द कस्टमर्स हैंड्स। हमें इंश्योर करना है कि एरर्स जो है वो कस्टमर्स के हाथ में ना पहुँचे, और प्रिवेंशन करना है ताकि एरर जो है वो आउट ऑफ प्रोसेसेस रहे। कंट्रोल क्वालिटी इज यूजुअली परफॉर्म बाय द परफॉर्मिंग इंस्पेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिलीवरेबल्स। कंट्रोल क्वालिटी जो है वो इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स पे परफॉर्म किया जाता है। सो हमारा पर्पस है यहाँ पे है ये कि प्रोडक्ट के या डिलीवरेबल जो हमारा है वो मीट करे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को और रिक्वायरमेंट्स को। सो दोस्तों, अगर बात करें प्रोडक्ट की, तो हमें एरर्स जो है वो कस्टमर के हाथों में नहीं जाने चाहिए, ठीक है? उसको पहले से हमें जो है फिक्स करना होगा। और अगर बात करें प्रोसेसेस की, तो प्रिवेंशन करना होता है ताकि एरर्स जो है वो प्रोसेसेस के अंदर ना आ सके, एरर्स जो है वो प्रोसेसेस के अंदर ना आ सके। तो प्रिवेंशन यूज़ होता है प्रोसेसेस के केस में, और इंस्पेक्शन यूज़ होता है अपना प्रोडक्ट के केस में। सो जो हमारा डिलीवरेबल है वो एज़ पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाया गया है या नहीं, ये कहाँ से पता चलता है? ये पता चलता है क्वालिटी कंट्रोल मेजरमेंट से, जो मेजरमेंट लिए गए हैं, और कंट्रोल क्वालिटी का आउटपुट है, जो कंट्रोल क्वालिटी प्रोसेस का आउटपुट है क्वालिटी कंट्रोल मेजरमेंट। फिर मेजरमेंट्स के अलावा हमें मिलते हैं वेरीफाइड डिलीवरेबल्स, जो कि ऑलरेडी चेक किए जा चुके हैं बिफोर मीटिंग द कस्टमर। कस्टमर से मिलने से पहले जो है हमारे पास वेरीफाइड डिलीवरेबल्स आ जाते हैं और मेजरमेंट्स आ जाते हैं। अगर हमारा डिलीवरेबल जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता है, तो चेंज रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं, चेंज रिक्वेस्ट। सो कंट्रोल क्वालिटी, क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए टूल्स और टेक्निक्स हैं, 7 क्वालिटी टूल्स, इंस्पेक्शन और स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। जो क्वालिटी टूल्स हम यूज़ करते हैं प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट में, प्लान प्रोसेस में जो यूज़ करते हैं टूल्स,
उन टूल्स को हम कंट्रोल क्वालिटी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्लान क्वालिटी में ये टूल जो है क्वालिटी डिफाइन करने के लिए होते हैं, वाइल इन कंट्रोल क्वालिटी में ये क्वालिटी को मेज़र करने के लिए होते हैं। डिफाइन क्वालिटी इन प्लान एंड मेज़र क्वालिटी इन कंट्रोल क्वालिटी। सो ड्यूरिंग प्लान क्वालिटी प्लानिंग के दौरान दीज टूल्स आर यूज टू हेल्प डिफाइंड प्रोसेसेस एंड रिक्वायरमेंट्स। किस लिए यूज़ होते हैं? टू हेल्प डिफाइन प्रोसेस प्रोसीजर्स एंड रिक्वायरमेंट्स। वाइल कंट्रोल क्वालिटी में ये यूज़ होते हैं टू मेजर एंड डेटरमाइन वेदर दोज प्रोसीजर्स आर रिक्वायरमेंट्स आर बिंग फॉलोड। सो जो हमने प्रोसीजर्स और रिक्वायरमेंट प्लान प्रोसेस में डिफाइन किए थे, उन प्रोसेसेस को और प्रोसीजर्स को अब हम मीट कर रहे हैं, ये डिटरमाइन किया जाता है और मेज़र किया जाता है इन कंट्रोल क्वालिटी प्रोसेस में। तो दोस्तों अब एक चीज़ हम सबके माइंड में है अभी तक, क्वालिटी एश्योरेंस और कंट्रोल क्वालिटी के बीच में क्या अंतर है, सो उसको डिस्कस करेंगे। क्वालिटी एश्योरेंस हमने पढ़ा था पहले, अब पढ़ा है कंट्रोल क्वालिटी, तो देखते हैं क्या डिफरेंस है। सो क्वालिटी एश्योरेंस यूज़ होता है जब हम डिलीवरेबल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस प्रोसेस में यूज़ होता है, एक्चुअल प्रोसेस में, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस इज कंसर्न विद द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द डिलीवरेबल। तो प्रोसेस, एक्चुअल प्रोसेस से कंसर्न होता है। कंट्रोल क्वालिटी इज कंसर्न विद डिलीवरेबल, एक्चुअल डिलीवरेबल इटसेल्फ। कंट्रोल क्वालिटी मतलब किसकी क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं, डिलीवरेबल की, और किसकी क्वालिटी एश्योर कर रहे हैं, प्रोसेस की। क्वालिटी एश्योरेंस इज फॉर चेकिंग प्रोसेसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल इज फॉर चेकिंग डिलीवरेबल। क्वालिटी एश्योरेंस जो होता है एंश्योर्स दैट द प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स जो हमने डिफाइन किए थे ऑफ प्रोड्यूसिंग द डिलीवरेबल आर बीइंग फॉलोड। वो प्रोसेसेस और प्रोसीजर फॉलो हो रहे हैं एज ओरिजिनली डिफाइंड ड्यूरिंग द प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस। प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस में, प्लान प्रोसेस में जो डिफाइन किए गए थे वो प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स जो है फॉर प्रोड्यूसिंग द डिलीवरेबल, वो इंश्योर किए जाते हैं कि वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और कंट्रोल क्वालिटी इंश्योर्स वेदर द डिलीवरेबल और द फाइनल प्रोडक्ट जो है हमारा मीट्स द रिक्वायरमेंट एंड फुलफिल्स द लेवल ऑफ क्वालिटी। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है और क्वालिटी जो लेवल ऑफ क्वालिटी है उसको जो है फुलफिल कर रहा है। क्वालिटी एश्योरेंस इज डन वाया क्वालिटी ऑडिट्स। तो एश्योरेंस जो कर रहे थे वो क्वालिटी ऑडिट कर रहा था, ठीक है। एक डिपार्टमेंट होता है क्वालिटी ऑडिट का, वो ऑडिट करता है। और कंट्रोल क्वालिटी इज डन बाय इंस्पेक्शन। कंट्रोल क्वालिटी जो है वो हमारा डिलीवरेबल का इंस्पेक्शन किया जाता है, ये डिफरेंस है। सो क्वालिटी ऑडिट में और इंस्पेक्शन में क्या अंतर है? इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन जो है बिलोंग करता है क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस को, और क्वालिटी ऑडिट बिलोंग करता है क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस को, ठीक है। इंस्पेक्शन जो होता है वो इज़ यूज टू इंस्पेक्ट एंड चेक द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को चेक करने के लिए इंस्पेक्शन किया जाता है, और क्वालिटी ऑडिट जो है वो किया जाता है प्रोसीजर्स और प्रोसेस को चेक करने के लिए कि प्रोसीजर्स और प्रोसेस आर बीइंग फॉलोड और नॉट। सो आई थिंक अब ये बात समझ आ गई होगी हम लोग। सो दोस्तों दो टर्म्स हैं, एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना, यानी कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी। सो दो ऐसे इवेंट जो एक साथ नहीं हो सकते इन अ सिंगल ट्रायल, उनको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जैसे कि सिक्का उछालना और हेड एंड टेल आ जाना। सो या तो हेड आएगा या टेल आएगी, दोनों नहीं आ सकते। सो उनको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो दोस्तों मीन वाला जो लाइन था हमारा, मीन सेंटर ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट का जो सेंटर था, वहाँ से जो मीन है, मीन से कितना डेविएशन है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। हमारा प्रोसेस मीन से कितना डेविएशन पर है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन से कितना दूर है हमारा प्रोसेस, इसको वेरिएशन भी बोलते हैं, वेरिएशन फ्रॉम द मीन, मीन से कितना वेरिएशन है हमारा। और इसको सिग्मा भी बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, और
सिग्मा एग्जिस्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ मीन, दोनों साइड्स पे हो सकता है सिग्मा, यानी कि डेविएशन दोनों साइड्स पे हो सकता है, अपर साइड और लोअर साइड दोनों पे। कंट्रोल चार्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आई होप आप भूले नहीं हैं और आपको नींद नहीं आ रही है क्योंकि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं बड़ी मुश्किल से। सो 3 सिग्मा एंड 6 सिग्मा रेफर टू द डिफरेंट एक्सटेंट्स एज टू हाउ मच द डेटा डेविएट्स फ्रॉम द मीन। सो 3 सिग्मा एंड 6 सिग्मा। सो दोस्तों, प्रोबेबिलिटी तो हम सबको पता है कि व्हाट इज द लाइकलीहुड फॉर समथिंग टू ऑकर, कुछ होने के लिए कितना लाइकलीहुड है, कोई इवेंट, पर्टिकुलर इवेंट होने का जो है कितना लाइकलीहुड है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। हाउ लाइकली इज दिस इवेंट इज गोइंग टू हैपन। और उसके अलावा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इज बेसिकली अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्रोबेबिलिटी मतलब लाइकलीहुड ऑफ समथिंग टू ऑकर, दैट इज शेप लाइक अ बेल कर्व। बेल कर्व की तरह होता है और इसको मेज़र किया जाता है, इसको सॉरी यूज़ किया जाता है वेरिएशंस मेज़र करने के लिए, ना प्रोसेस और प्रोडक्ट। वेरिएशन, वेरिएशन हमने बताया अभी, डेविएशन जो होता है उसको भी वेरिएशन बोलते हैं, मीन से कितना दूर है, दैट इज़ वेरिएशन। वेरिएशन को मेज़र करने के लिए जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होता है, अ बेल कर्व। एट्रीब्यूट सैम्पलिंग एंड वेरिएबल सैम्पलिंग। सो एट्रीब्यूट सैम्पलिंग मतलब द रिजल्ट इधर कन्फॉर्म्स और डज नॉट कन्फॉर्म, ठीक है। सो एट्रीब्यूट सैम्पलिंग मतलब रिजल्ट जो है वो किसी चीज़ के अनुसार है या नहीं है, कन्फॉर्म्स और डज नॉट कन्फॉर्म। और वेरिएबल सैम्पलिंग द रिजल्ट इज मेजर्ड अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ कन्फॉर्मिटी, ठीक है। जो रिजल्ट आया है वो मेजर किया गया है टू द डिग्री ऑफ कन्फॉर्मिटी। कन्फॉर्मिटी मतलब किसी चीज़ के अनुसार होना।